नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि सुबह की कारोबारी सत्र में आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार आज मंदी की ओर रहेगा या तेजी की ओर, और किन कमोडिटीज में कितनी मंदी तेजी देखने को मिलेंगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने और चांदी में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ नरमी के साथ ट्रेड दर्ज हो रहा है। कल को जहां पर हमने सोने की कीमतों को 1970-1980 डॉलर तक जाते हुए देखा था सुबह के कारोबारी सत्र में, वहीं आज के कारोबारी सत्र में देख रहे हैं कि सुबह के समय गोल्ड इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में आधे फीसदी से ज़्यादा की करेक्शन के साथ है और 1945 डॉलर पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। वहीं चांदी भी लगभग 0.25% की गिरावट के साथ 25.1 डॉलर पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। सोने और चांदी में कल के मुकाबले आज एक नरमी देखने को मिल रही है। तो सोने चांदी में ये जो अचानक से 40 से 50 डॉलर का जो नरमी वाला रुझान आया है, ये जो करेक्शन आई है, ये इसके कारण क्या क्या है और आगे सोने चांदी की कीमतें क्या रह सकती हैं, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि कल की तेजी के बाद सोने चांदी में आज करेक्शन वाला माहौल देखने को मिला है। कल को जहाँ पे हमने सोने को 1970-1980 डॉलर की रेंज में देखा था, आज 1940-1945 की रेंज में है। वही सिल्वर भी 26 डॉलर से लुढ़ककर 25 डॉलर पर आ गई है। आपको क्या लगता है, ये जो सोने में जो गिरावट आई है, इसके कारण क्या है और अब आगे सोने चांदी का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, अभी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और जिस तरीके से डॉलर में वापसी आई है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला है कि बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुके हैं, चाहे वो सोना हो या फिर चांदी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सोना अगर 2000 डॉलर के ऊपर निकल जाता है तो 2020 तक की तेजी दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल ऊपरी स्तरों से एक करेक्शन बनती हुई दिखाई गई है और बाजार नीचे लुढ़क चुके हैं। अभी जो ट्रेंड है सोने का, वो काफी जो है सीमित दायरे में हो सकता है कि आपको देखने को मिले, और उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि बाजारों में रेंज जो बनती हुई फिलहाल अब दिखाई दे रही है 1900 डॉलर से लेकर 1920 डाउनसाइड में एक बार हो सकता है कि मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, और वहीं डोमेस्टिक मार्केट में एक बार 52000 तक मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। जी, यही सर बच्चे क्रूड की बात करें तो क्रूड में कल हमने ऐसी उठापटक वाला माहौल देखा था, आज भी देख रहे हैं कि लेवल्स ठीक ठाक हैं, लेकिन जिन लेवल्स पे कल को मार्केट ट्रेड कर रही थी सुबह में, आज भी वही वाले लेवल्स बनते नजर आए हैं फिर से निचले स्तर से। देख रहे हैं WTI 103 डॉलर पर है और ब्रेंट क्रूडो 108 पर। रूपा जी, देखते हैं कि जब भी क्रूड में तेजी बनने वाली होती है या बन रही होती है, तब तब किसी न किसी एजेंसी या फिर किसी देश का बयान आ जाता है कि कहीं पर सप्लाई घट गई है, ऑयल सप्लाई टाइट रह सकती है या फिर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की बात कही जाती है। अब बयान निकल के सामने आया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड वो थोड़ी कम रह सकती है, जिसकी वजह से क्रूड की डिमांड कम रहेगी। इससे पहले IEA द्वारा अनुमान लगाया गया था कि जो डिमांड है ठीक ठाक रहेगी और ओपेक ने भी डिमांड को लेकर पॉजिटिव ही रुख जताया था। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब इन बयानों के बीच और इस उठापटक के बीच हाई वॉलेटिलिटी में क्रूड में कैसे मुनाफा कमाए? देखिए, इस टाइम पर क्रूड जो है वो काफी वोलेटाइल हो चुका है, नो डाउट। जिस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ये बयान निकल कर आया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसका पूर्वानुमान जो लगाया गया है कि वो कम रह सकती है, तो अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बाजार का काफी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। कभी हम देखते हैं कि एकदम से डिमांड पिकअप होते नजर आते हैं, सप्लाई तो ऑलरेडी बनी ही हुई है, और दूसरा रूस और यूक्रेन की वॉर की वजह से भी सप्लाई काफी डिस्टर्ब है, और कभी जिस तरीके से बयान निकल कर आते हैं कि अमेरिका की तरफ से रिजर्व में से क्रूड की सप्लाई की जाएगी, तो फिर क्रूड में एक ईजो फाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी काफी फंडामेंटल जो है वो मिक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अब देखा जाए तो जो इन्वेंट्री भी हमने पीछे देखी है कि 4.5 मिलियन बैरल के से इन्वेंट्री भी क्रूड की लास्ट वीक में गिरती हुई दिखाई दी है, और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी काफी जो है असमंजस की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार की दिशा जो है वो तय करते हुए आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्रूड का जो फंडामेंटल है वो पॉजिटिव है नो डाउट, क्योंकि सप्लाई अभी काफी टाइट है और डिमांड अच्छी खासी है। अभी फिर पीछे हमने देखा था कि चाइना की तरफ से डिमांड थोड़ी सी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि कम हो सकती है, जिस तरीके के लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी, कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, तो एक ये फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से क्रूड में दबाव आता हुआ दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसका खुद का फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में अगर टेक्निकली ट्रेंड की बात करें तो 90 डॉलर एक अहम इसका सपोर्ट है डाउनसाइड में, अगर उसके नीचे ब्रेक करता है तब आपको 75-80 डॉलर के आसपास
स्थिति बनती दिखाई दे सकती है। अदरवाइज यहाँ से अगर देखा जाए तो क्रूड मुझे लगता है कि ऊपर में 110 से 120 डॉलर की रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको? बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि जब से चाइना में लॉकडाउन वाली स्थितियां हैं तो बेस मेटल्स का जो बाजार है वो एक नरमी के साथ था, लेकिन चाइना से भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि चाइना में कुछ जगहों पर जो लॉकडाउन है उसमें ढील दी गई है, तो ऐसे में अब बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए बेस मेटल्स में भी पॉजिटिव रुझान है और बेस मेटल के अंदर मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहती हुई आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती है। छुटमुट देखिए उठा पटक बनी रह सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो बेस मेटल का ट्रेंड काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। आज जरूर बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें काफी पोटेंशियल है और जिंक जो है ऊपर में एक बार 380 के ऊपर निकलती है तो 400 तक की तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमने अचानक से काफी ज्यादा उछाल आते हुए देखा है, आपको क्या लगता है क्या नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स ज्यादा मजबूत हो गए हैं या फिर नेचुरल गैस ओवरबॉट जोन में है? देखिए इसके फंडामेंटल तो मजबूत है ही, क्योंकि एनर्जी का संकट देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ नजर आया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो ओवरबोर्ड जोन में है क्योंकि ये अपने रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और इस टाइम पर इतनी अच्छी डिमांड पिकअप हो जाना और ये प्राइजेस इस लेवल पर आकर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और अभी यहाँ से अगर प्राइजेस सस्टेनेबिलिटी आती भी है तो 600 तक ऊपर में नेचुरल गैस जाती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए आज सभी बाजार में हल्की करेक्शन बनती हुई जरूर दिखाई दी है। और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार नीचे में मार्केट अगर यहाँ से लुढ़कता भी है तो 520 तक आकर नीचे एक बार सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, 580 से 600 का टारगेट अभी भी देखने को मिले। जी रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में आप टॉपिक्स किन देना चाहेंगी इस वॉलेटिलिटी वाले बाजार के अंदर? देखिए मुझे लगता है कि सेफर साइड अगर देखा जाए तो बेस मेटल्स में बाइंग में रहना चाहिए, करेक्शन के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस में भी बाइंग इनिशिएट बनता है, यहाँ से 540 का एक स्टॉप लॉस है यहाँ पर, उसको बनाकर आप नेचुरल गैस में भी 580 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।